हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल रामाशर में। आज की प्रमुख घटनाएं हैं, 1830 में चिली में दास प्रथा समाप्त कर दी गई थी और 1890 में सोरा बाजार इंग्लिश फुटबॉल टीम ईस्ट सरे को हराने वाली पहली भारतीय टीम बनी। 1911 में हैरम बेहन द्वारा माया सभ्यता के लुप्त शहर माचू पिच्चू को खोज निकाला गया था। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज की वीडियो में विभिन्न प्रकार की घटनाएं और इतिहास से संबंधित तथ्य के बारे में। 1911 हमने आपको डिस्कस कर दिया। 1923 लॉसन की संधि, स्विट्जरलैंड में ग्रीस, बुल्गारिया और प्रथम विश्व युद्ध में शामिल अन्य देशों के बीच हुई इस संधि के द्वारा आधुनिक तुर्की की सीमाओं को व्यवस्थित किया गया। 1932 में रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान की स्थापना की गई। 1969 अपोलो 11 सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में उतर गया। इसके अलावा अगला डिस्कशन कर लेते हैं, तो 1977 चार दिवसीय लीबिया मिस्र युद्ध हुआ। आज ही के दिन चार दिवसीय लीबिया मिस्र युद्ध हुआ था। 1989 लोकसभा से अधिकतर विपक्षी सांसदों ने त्याग पत्र दिया जो स्वीकार कर लिया गया। ये थी आज की प्रमुख घटनाएं। अब बात कर लेते हैं आज ही जन्म लेने वाले व्यक्तियों के बारे में। तो चलिए आज ही जन्म लेने वाले व्यक्तियों के बारे में समझते हैं। 1783 शिमोन बोलीवर वेनेजुएला के दूसरे राष्ट्रपति, इनका जन्म हुआ था। इनका निधन 1830 में हुआ था। फिर 1802 अलेक्जेंड्रे डुमास फ्रांसीसी उपन्यासकार और नाटककार थे, इनका जन्म हुआ था। इनका निधन 1856 ईस्वी में हुआ था। जबकि 1857 में हेनरिक पोंटोविंदा डेनिश पत्रकार थे एवं लेखक थे, नोबेल पुरस्कार विजेता भी माने जाते हैं, इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा 1860 में अल्फोंस मुचा मैक चित्रकार का जन्म हुआ था और 1897 में अमेलिया एयरहार्ट अमेरिकी पायलट एवं लेखक थे, इनका जन्म हुआ था। 1920 में वेला अब्दुल अमेरिकी राजनेता थे, इनका जन्म हुआ था। 1928 केशुभाई पटेल भारतीय राजनेता, गुजरात के 10वें मुख्यमंत्री का जन्म हुआ था, जिनका निधन 2020 में हुआ। 1937 में भारतीय फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का जन्म हुआ था। 1945 अजीम प्रेम जी भारतीय व्यवसायी थे, इनका जन्म हुआ था। 1947 जहीर अब्बास पाकिस्तान के खिलाड़ी का जन्म। 1969 जेनिफर लोपेस अमेरिकी गायिका निर्देशिका एवं नृत्यांगना का जन्म हुआ था। 1971 पेटी जेकिंस अमेरिकी फिल्म निर्देशक एवं पटकथा लेखक का जन्म हुआ था। समर ग्लेव अमेरिकी अभिनेत्री थी, इनका भी जन्म हुआ था आज ही के दिन। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं निधन के बारे में। तो 1980 में उत्तम कुमार हिंदी चलचित्र अभिनेता माने जाते थे, जिनका निधन हुआ था आज ही के दिन 1980 में। रिचर्ड हेनरी सेलर्स अमेरिकी हास्य अभिनेता पिंक पैंथर का भी निधन आज ही के दिन हुआ था। इसके अलावा अगर हम डिस्कशन कर लें तो 1982 में अन्ना पाकिन कनाडा न्यूजीलैंड की अभिनेत्री रहने वाली थी, इनका जन्म हुआ था। आगे हम बात कर लेते हैं मृत्यु के बारे में और अधिक। लेकिन अगर अभी आपने हमारे वीडियो को नहीं किया है लाइक, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब, अधिक से अधिक शेयर करिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। और हाँ, अगर आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अधिक से अधिक शेयर करके ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुँचाएँ, ताकि उसका लाभ ये लोग भी ले सकें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप सभी से नई वीडियो के साथ। थैंक यू।